सरकार ने जो निर्णय किए हैं, जो काम किए हैं, जो परिणाम दिखाए हैं, उससे अंदाज आएगा कि हमें किन लोगों को फैलाना है। मैं विश्वास से कहता हूं, जो लोग कांग्रेस को भली भांति जानते हैं, जो लोग कांग्रेस के काम को भी जानते हैं और कारनामों को भी जानते हैं, वे एक बार कांग्रेस गई दोबारा घुसने नहीं देते हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश ढेर सारे प्रधानमंत्री कांग्रेस के उत्तर प्रदेश से आए, एक परिवार के चार नेता उत्तर प्रदेश से आए, तीन प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ही राज चलता था, उसी का डंका बजता था, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जैसे ही कांग्रेस को पहचान गई, एक बार उसको वहां से जो हटाया, आज 30-35 साल हो गए, फिर से कांग्रेस को पैर नहीं रखने दिया है। रखने दिया है क्या? रखने दिया है क्या? आप पश्चिम बंगाल देखिए, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का ही राज चलता था, वहां की जनता ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका, वहां की जनता ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका। कम्युनिस्टों की सरकार आई, बाद में ममता जी को भी लाए, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता आज 40-45 साल के बावजूद भी कांग्रेस को पैर रखने देने के लिए तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, बिहार देख लीजिए, बड़े बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे बिहार में कांग्रेस के, जनता ने एक बार वहां से कांग्रेस को हटाया। अच्छे हो बुरे हो किसी को स्वीकार किया, लालू जैसे लोगों को स्वीकार किया, लेकिन दोबारा बिहार में कांग्रेस को पैर रखने नहीं दिया। गुजरात देख लीजिए, 30 साल हो गए, एक कांग्रेस का वहां एक चक्री शासन हुआ करता था, वहां की जनता कांग्रेस को पहचान गई, एक बार उसको हटाया, 30 साल हो गए, आज भी कांग्रेस को पैर नहीं रखने देते। मेरे मध्य प्रदेश के भाइयों बहनों, यह हिंदुस्तान के राज्यों की जो समझ है, जो बुद्धिमानी है, उसको भली भांति हम समझें और हम भी मध्य प्रदेश में संकल्प करें। एक जमाना था कांग्रेस वाले ऐसे नारे देते थे, आधी रोटी खाएंगे इंदिरा को लाएंगे, यानी ऐसा ही सिखाया था, भूखे मरो बस हमारा राज बना रहे, यही सिखाया गया था। लोग भूखे मरते रहे, उनको परवाह नहीं रही, उनकी राजगद्दी सलामत रही, यही सिखाया गया था। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में जहां से भी कांग्रेस जाती है, दोबारा कांग्रेस लौट करके नहीं आती है। मेरे मध्य प्रदेश में भी उस 55 साल के बुरे हाल किसी भी हालत में मध्य प्रदेश में मत आने दीजिए। और इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस का आने का मतलब होता है भाई भतीजावाद, कांग्रेस का आने का मतलब होता है जातिवाद का जहर, कांग्रेस का आने का मतलब होता है संप्रदायवाद की लड़ाई, कांग्रेस का आने का मतलब होता है मेरे तेरे का खेल, कांग्रेस का आने का मतलब होता है भ्रष्टाचार, डगर डगर पर भ्रष्टाचार, कांग्रेस का आने का मतलब होता है जो भी करे खुद के लिए करे, जनता मरे तो मरे, ये मंत्र लेकर के कांग्रेस ने देश के 50 साल बर्बाद किए हैं।